काला दिवस मना रहा है, क्यों विरोध दिवस मना रहा है, हम वो बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये 150 लोगों की हत्याओं का जश्न क्यों मना रहे हैं ये बीजेपी बताए, ये तो इनका मसला है। इन्होंने अभी गिनाया आतंकवाद, सरकार एक मिनट सुनिए, सरकार केरला में हत्या करती है भैया, नोटबंदी से किसी की नहीं मौत हुई थी, ये आप लोगों ने सर बाकी मेहमानों की बातें सुनिए, उसके बाद अपनी बात आप रखिएगा। आतंकवाद समाप्त हो गया, आंकड़े ये बताते हैं कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया। देश की हिस्ट्री में आजाद भारत के अंदर कभी भी ब्रिगेडियर रैंक का आदमी या कर्नल रैंक का आदमी आतंकवादी एक्टिविटीज में नहीं मारा गया, जो अब मारा जा रहा है पिछले 3 साल से। तो ये कैसे आतंकवाद बढ़ गया, कम हो गया, ये समझ में नहीं आता है। इन्होंने कहा नक्सलवाद खत्म हो गया, नक्सलवाद के अंदर मसला ये है कि कोई पत्रकार वहां की रिपोर्ट बाहर लाता है तो उस पर एक सीडी रख देते हैं और उसे बंद कर देते हैं, किसी अज्ञात आदमी से रिपोर्ट दर्ज करा के ज्ञात आदमी के खिलाफ। वो अज्ञात आदमी कौन है आज तक पता नहीं चला, ये प्रेस ही तो निकालती है, वो नहीं बताना चाहते देश को अंदर। नकली नोट समाप्त हो गए, आज भी नकली नोट का जखीरे पकड़े जा रहे हैं, वो कैसे समाप्त हो गए वो भी समझ में नहीं आता। काला धन समाप्त हो गया, 99% तो जितनी मुद्रा सर्कुलेशन में थी वो जमा होगी, बाकी भूटान से आ जाएगी, नेपाल से आ जाएगी, या जो NRI है वो आ जाएंगी, या जो ऐसी ऐसी माताएं अब भी घूम रही हैं जिनके तकियों में 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपए थे, वो भटकती फिर रही, उन्हें नहीं पता था कि नोटबंदी किसे कहते हैं, उनके जीवन काल में नहीं हुआ था ऐसा। तो ये बताएंगे। वामपंथ पूरे मुल्क में आज प्रदर्शन कर रहा, विरोध प्रदर्शन कर रहा, कोई परहेज दिखाए ना दिखाए, लेकिन मोदी सरकार को इतना मजबूर कर दिया, प्याज पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल हर चैनल के अंदर बैठा है, विरोध प्रदर्शन की झलकी मत दिखा दे।